MBA, M.Tech, ITI, सभी प्रोफेशनल कोर्सेज उपलब्ध हैं। अभी एडमिशन लेने के लिए संपर्क करें श्री परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, हापला दीपला रोड, खंडवा। दिए गए नंबर पर संपर्क कर अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। भाई साहब, आप ये एक बड़ा एक आकर्षक कोट पहन कर आए हैं, उस पर लिखा हुआ है श्रमेव जयते और डॉक्टर गौर को भारत रत्न दो। एक तो आपका परिचय दीजिए और इस तरह की वेशभूषा पहन के आप आए हैं, क्या विषय लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के खंडवा कलेक्ट्रेट में? श्रीमान जी, मेरा नाम सुबोध शुक्ला आदिपुरुष, अध्यक्ष जय लंकेश पार्टी राष्ट्रीय रावण सेना है। राष्ट्रीय रावण सेना? जी साहब। अच्छा, बर्खास्तगी के दौरान में ट्राइबल डिपार्टमेंट में एक शासकीय शिक्षक के पद पर नियुक्त था। अच्छा, लेकिन किन्हीं लोगों के चक्रव्यूह की वजह से मेरा जो है पद चला गया और बर्खास्तगी के दौरान मैं सागर गया अपने गृह जिला, वहाँ विधायक का मैंने जो है प्रॉपर तरीके से चुनाव लड़ा और चुनाव में मेरा मुख्य विषय था कि हमारे जो सागर केंद्रीय विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं डॉक्टर सरहरी सिंह गौर, जिनको पूरा मध्य प्रदेश जानता है, उनको भारत रत्न दिलाया जाए। तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और सांसद, विधायक और अब तो साहब हमारे सागर में जो है आंधी बन चुकी है। तो श्रीमान कलेक्टर महोदय जी से मैं ये निवेदन करने आया हूँ कि जो मेरा सर्विस का मैटर यहाँ पर चल रहा है, जो कि अंतिम स्टेज पर है, थोड़ा उसको जो है लिंगर कर दिया जाए, उसको थोड़ा जो है दिसंबर तक कर दिया जाए, ताकि 26 नवंबर तक जब गौर जन्म जयंती होती है उस समय तक हम जो है डॉक्टर सरहरी सिंह गौर को भारत रत्न दिलाने के लिए शासन प्रशासन में और ज्यादा हम जो संघर्ष करें। कौन से विभाग में पदस्थ थे आप? हम आदिम जाति कल्याण विभाग में एक शिक्षक के तौर पर। कहाँ पर? ये ग्राम सेनवाल, ब्लॉक खालवा, जिला खंडवा। अच्छा, तो आपको सस्पेंड क्यों कर दिया था? सस्पेंड नहीं साहब, सस्पेंड एक अलग व्यवस्था। टर्मिनेट कर दिया? टर्मिनेट मतलब सेवा से पृथक। क्यों कर दिया था, क्या हुआ था? अब साहब एक लाइन में समझाएं तो, क्या भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे आप? नहीं, भ्रष्टाचार के कुछ आरोप नहीं लगे थे, कुछ साहब थोड़ा हमारा टेम्परामेंट ये है कि सच बोलना और सच का साथ देना, और अगर सच बोलना बगावत है तो साहब समझो हम भी बागी हैं। अच्छा, तो उनकी नजर में हम बागी हैं और बगावत हम करते रहे। क्या सच बोला था आपने? भ्रष्ट व्यवस्था के विरुद्ध सच बोला था साहब? बिल्कुल। यानी जो आदिम जाति कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार की व्यवस्था है, चाहे वो आपका उपायुक्त से लेकर नीचे तक, उसके खिलाफ आपने आवाज उठाई थी? तानाशाही तंत्र ये व्यवस्था है साहब, डेमोक्रेसी का नाम नहीं है। सरकारी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं, वो तो उनका एक नौकर है। हाँ भैया, एक मिनट चुप हो जाओ यार, देख रहे हो यार, जब बात कर रहे हैं हमारे जो हेड ऑफ दी मतलब जो है डिपार्टमेंट है वो तो एक राजपुरुष है। अच्छा, अब राजपुरुष को कुछ समझाने के लिए मुझे आदिपुरुष बनना पड़ा, ये व्यवस्था है। अच्छा, तो अब कुल मिला के आपको जो आपका जो केस चल रहा है, वो केस आपका जल्द से जल्द उसका समाधान किया जाए, ये आप? नहीं साहब, समाधान तो आप कर दो। हाँ, और इसमें हमें ये भी नहीं है कि आप हमें विभाग में ले लो या विभाग से बाहर कर दो। हाँ, क्योंकि अब हमारा जो है दूसरा पॉलिटिकल जो है करियर जो है स्टार्ट हो गया है, लेकिन हमारा मतलब ये है कि जहाँ 26 नवंबर तक गौर साहब का इतना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, इस दौरान मत करिए आप, दिसंबर 2024 में कर दीजिए, ताकि हम मतलब जो है पूरे मनोयोग से हम जो है डॉक्टर सरहरी सिंह गौर साहब को भारत रत्न दिलाने के आंदोलन में पूर्ण रूप से समर्पित भाव से हम संघर्ष कर सकें। अच्छा, ये रावण सेना क्या है? रावण सेना नाम आपने रावण रखा, रावण तो जनरली भारत में नेगेटिव माना जाता है कि बुराई, बुराई का प्रतीक माना जाता है, उसको हर साल जला भी देते हैं, तो आपकी ये रावण सेना का क्या कॉन्सेप्ट है? श्रीमान जी, पिछले साल 2023 में एक मूवी आई थी आदिपुरुष, तो आई एम द ऑथर एंड राइटर ऑफ आदिपुरुष मूवी, मैं उसका लेखक भी हूँ और मैंने उसको जो है राइट भी किया है, और मैंने जो उत्तर प्रदेश के जो ब्राह्मण संगठनों में पहुंचाया। क्या हो रहा है साहब, रावण के नाम पे जो ब्राह्मणों का दोहन, दमन, शोषण, उत्पीड़न और पतन हो रहा है, उसका ही शिकार जो है मैं बना हूँ। मुझमें बहुत ज्यादा भगवान रावण जैसी मुझमें योग्यता है, फिजियोलॉजी है, इंटेलेक्चुअलिटी है, लेकिन चूंकि जाति से मैं ब्राह्मण हूँ, तो रावण का लेबल लगा के आप हमें जो है लिंच कर देते हैं, तो ये उसी मानसिकता के खिलाफ जो है अभी मैंने जो है रावण से। तो आज अगर एक लाइन में समझे तो आपके आने का उद्देश्य क्या है एक लाइन में? एक लाइन में ये है साहब, श्रीमान जी से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारा जो भी निर्णय बने आप दिसंबर 2024 में बनाना। अच्छा, अभी बीच में नहीं। अच्छा, ये आप जो वेशभूषा पहन के आए हो जी, इसको क्यों पहन के आए हो? मतलब ये इसको इसलिए पहन के आए हैं ताकि एक रीजन है, एक कारण है, जिसकी ऑथेंटिसिटी हम जो श्रीमान जी को बता सके। अच्छा, हम पूरे मनोयोग से 26 नवंबर तक
डॉक्टर सरहरी सिंह को भारत रत्न दिलाने के लिए उस आंदोलन में तन मन और धन से हम मतलब समर्पित। क्या नाम बताया आपने अपना? सुबोध शुक्ला, आदि पुरुष अध्यक्ष, जयलंगेश पार्टी, राष्ट्रीय रावण सेना। ये आपका नाम है? जी। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। ओके MBA, M.Tech, ITI, सभी प्रोफेशनल कोर्सेज उपलब्ध हैं। अभी एडमिशन लेने के लिए संपर्क करें श्री परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, हापला दीपला रोड, खंडवा। दिए गए नंबर पर संपर्क कर अधिक जानकारी भी ले सकते हैं।